नमस्कार दोस्तों, धर्म न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं देव शर्मा आज बात करूंगा वास्तु से जुड़ी कुछ रेमेडीज़ के बारे में। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या फिर घर में किसी की शादी वगैरह नहीं हो रही है, तो ऐसी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो उस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, वास्तु को लेकर के घर का नॉर्थ ईस्ट के वास्तु दोष क्या होते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, नॉर्थ वेस्ट के, साउथ वेस्ट के, साउथ ईस्ट के, तो ये जो चारों जोन हैं इसके अंदर कौन कौन से दोष होते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर ऑलरेडी अपने वीडियोस यूट्यूब पे बने हुए हैं। कुछ क्लासेस हमने ली थी, उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग ऑनलाइन पड़ी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं और अपने घर का वास्तु खुद ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको वास्तु में कुछ सीखना है तो आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको अपडेट्स मिलेंगे कि हमारी अपकमिंग सेशंस कब होने वाली है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दोस्तों, तो आज अपन टॉपिक शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, घर के अंदर अगर आप हमें वास्तु के बारे में नहीं पता ना, तो नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, साउथ डिस्टर्ब है, क्या डिस्टर्ब है हमें नहीं पता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। एक आम आदमी बेचारा इन चीज़ों को नहीं जानता, तो उस कंडीशन में छोटे मोटे कुछ उपाय हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें आज हम टॉपिक लेंगे कपूर्स को लेकर, कपूर और थोड़े से पौधे को लेकर के। तो कपूर क्या हेल्प करेगा, तो दोस्तों कपूर जो होता है आप जहाँ पर भी रखते हैं, तो कपूर उस एरिए की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ख़त्म कर देता है, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देता है उस जगह के अंदर। तो कपूर में एक चीज़ होती है दोस्तों, कि एक तो केमिकल कपूर होता है मार्केट में, तो वो कपूर लेने से आप बचें। आपने देखा होगा छोटी छोटी टेबलेट्स आती हैं, है ना, गोलियाँ आती हैं कपूर्स की, मार्केट में मिलती हैं, वो कपूर ओरिजिनल नहीं है, उसको केमिकली बनाया गया है और उस कपूर में सिर्फ फ्रेग्रेंस है कपूर का, वो नेचुरल जो कपूर आता है वो नहीं है। आप क्या करेंगे, भीमसेनी कपूर, ब्रास कपूर, ये जाकर के दुकान पर आप बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा किसी अच्छी दुकान पर। बट ध्यान रखना, ये जो केमिकल कपूर टेबलेट वाला है उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सा महंगा है, और वो कपूर का कुछ शेप नहीं होता है, अन ईवन शेप का होता है, वो टेबलेट फॉर्मेट में नहीं आता, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में ये चीज़ कपूर को लाना है। सुबह शाम आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, दिया अगरबत्ती करते हैं अपने भगवान के मंदिर में, तो डेफिनेटली कपूर को जलाया करें। और कपूर को कहाँ जलाएं, घर का ब्रह्मस्थान ढूंढ लें। ब्रह्मस्थान आपको कैसे पता चलेगा, आपके घर को यूँ समझिए कि घर के अंदर कमरे वगैरह कुछ है ही नहीं, एक बड़ा सा हॉल है, अंदर बेडरूम नहीं है, किचन नहीं है, हॉल नहीं है, पूरा एक बड़ा सा कमरा है। तो उस कमरे का सेंटर पॉइंट कहाँ है, उस सेंटर पॉइंट पे क्या करिए, अच्छे से गंगा जल लीजिए, गौमूत्र लीजिए, वहाँ के जो दो या चार टाइल्स है उस दो चार टाइल्स को अच्छे से क्लीन करिए, क्लीन करके हमेशा साफ़ सुथरा रखिए और वहाँ पर कपूर जलाइए सुबह शाम। आप थोड़े दिन में देखेंगे लाइफ में, घर में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। दूसरा क्या करना है, घर के कॉर्नर्स में, आपके पास में घर के जितने भी कमरे हैं, रूम्स हैं, उन सारे कमरे में क्या करिए, छुपा छुपा करके, मतलब कचरे में ना चले जाए, कपूर के दो 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 टुकड़े सारे कमरों में आप कॉर्नर्स में डाल दीजिए, तो होगा क्या कि पूरे घर को आप कपूर से कवर कर लेंगे, तो धीरे 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 ये कपूर है वो हवा में वेपर होता रहेगा, तो जैसे जैसे ये हवा में उड़ता रहेगा ना, वैसे ही कपूर हवा में उड़ता रहेगा, उड़ने के साथ में क्या हो जाएगा कि वो घर की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगा। और कपूर जब भी आप घर में रखेंगे तो एक दिन में उड़ेगा नहीं, उसको कम से कम दो पाँच दिन सात दिन लगेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये कपूर के जो भी टुकड़े सब जगह रखेंगे हफ्ते भर में चेंज करिए, आप कम से कम इसको दो तीन महीने करते रहिए, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा और आप भी काफ़ी शांति फील करेंगे, घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। उसके अलावा क्या करना है, कपूर और लौंग इन दोनों को इक्वल मात्रा में ले लो, है ना, कुछ दिनों तक आप क्या करेंगे, कपूर और कपूर के साथ में लौंग इन दोनों को एक कटोरी में रख लीजिए और रात को आप जलाएं डेली, कपूर और लौंग को एक कटोरी में डेली रात को आपको जलाना है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या करेंगे, आप क्या अगला उपाय में आप क्या करेंगे कि कपूर को है ना घी में भिगा दीजिए,
आपके पास में गाय का घी है या कोई अच्छा वाला घी आपके घर में जो भी आप यूज़ करते हैं खाने के लिए या भगवान के दिए के लिए उसमें, ठीक है ना। तो अच्छा एक चीज़ याद रखना कि घी को भी बहुत ही शुद्ध माना गया है, जैसे गंगा जल को अपन पवित्र मानते हैं ना, घी को भी पवित्र माना गया है। तो स्पेशली ध्यान रखें कि आपके घी का जो भी डब्बा है घर के अंदर, उसके अंदर लोग क्या करेंगे, खाना खा रहे हैं और उसी हाथ से फिर एक्स्ट्रा घी लेते हैं, तो जूठे हाथ से कभी भी घी को टच नहीं करना है, उसको भी पवित्र माना गया। तो उसको उसकी पवित्रता मेंटेन करके रखनी है हमें, उसको ये गंदा नहीं करना है। जूठे हाथ से कभी हाथ नहीं लगाओगे आप जैसे भगवान के मंदिर के लिए अगर घी का डब्बा है तो उसको एक सेपरेट ही रखें, उसको अच्छे साफ हाथों से यूज़ करें घी को। तो क्या करना है, घी के अंदर आप कपूर को डुबाएं, डुबा करके उसको निकालें और उसको अगर आप जलाते हैं रोज़ाना सुबह शाम, तो घर के अंदर मेंबर्स के बीच में आपसी जो एक प्यार और आपसी जो तालमेल होता है वो नहीं जम रहा है। घर के लोगों के बीच में तनाव है, डिप्रेशन है, लोग एक दूसरे के साथ में नहीं है। तो अगर रेगुलरली आप घी में डुबा करके अगर कपूर जलाते हैं तो इससे घर का एनवायरनमेंट अच्छे हो जाएंगे, सारे मेंबर्स के बीच में जो आपसी तालमेल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप देवी देवता के सामने अपने भगवान के मंदिर में जब आप दिया वगैरह जलाते हैं भगवान के सामने, उस समय अगर आप डेली सुबह शाम उनको अगर कपूर उनके सामने जला के रखते हैं तो इससे भगवान हमारे देवी देवता खुश होते हैं, उनका भी आशीर्वाद रहता है और घर में बरकत होती है, इम्प्रूवमेंट्स होता है और आप आगे बढ़ते हैं। अगला उपाय है दोस्तों, अगर आपके घर में फाइनेंशियली गेन नहीं हो रहा है, घर में पैसों का आना जाना बहुत कम हो रहा है, घर में इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, या कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है मार्केट में, तो दुर्गा देवी के साथ में जुड़ा हुआ ये टोटका, आप क्या करेंगे, गुलाब का फूल ले लेंगे, उसके ऊपर एक कपूर रख देंगे, ठीक है ना। और शाम के टाइम पे क्या करेंगे, एक कपूर जो रखा है उसको जला देंगे और जलाने के बाद में वो जो फूल है माँ दुर्गा को चढ़ा देंगे, उससे प्रार्थना करें। और ये रेमेडी आपको फ्राइडे से शुरू करनी है और कम से कम 43 डेज़ करनी है। 43 डेज़ के अंदर आपको दिखेगा कि धीरे 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 आपके पास में फाइनेंशियल कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाएगा। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास में जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है या मार्केट में पैसा आपका फंसा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहुत ही काम की रेमेडीज है। तो दोस्तों आज इतना ही, कपूर के ऊपर हम घंटों बात कर सकते हैं, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।